डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लेसन सेवन ऑफ क्लास सेवन। लेसन नेम इज चांदनी। अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। अबू खान ने अपने गोट पालता था, पेट की तरह से रखता था। ही लव्ड हिज गोट्स, अपनी गोट्स को बहुत प्यार करता था। बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन, लेकिन वो उसे छोड़कर, एक एक करके छोड़कर चली गई। ही बॉट ए यंग प्रेटी गोट, इसने एक बहुत सुंदर गोट खरीदी। एंड कॉल्ड हर चांदनी, और उसे चांदनी बुलाता था। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा, एक बार की बात है, एक ओल्ड मैन रहता था अल्मोरा के अंदर। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, उसे सभी लोगों के बीच वो अबू खान के नाम से जाना जाता था। ही लिव्ड ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला रहता था। एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू गोट्स, बस कुछ गोट्स उसके साथ रहती थी, बकरियां रहती थी। विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, जिन्हें वो पालतू बनाकर रखता था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एज कलुआ, मूंगिया और गुजरी। वो अपनी गॉड्स को बड़े मजाकिया नेम देता था, जैसे कलुआ, मोंगिया और गुजरी। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में मैं उन्हें चराने के लिए, ग्रीन ग्रास खिलाने के लिए ले जाता था। ग्रेजिंग इन ग्रीन ग्रास के लिए चराना। एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन, और उनसे ऐसे बात करता था जैसे कोई भी अपने बच्चों से बात करता है। एट नाइट ही वुड ब्रिंग दैम बैक टू हिज लिटिल हट, और रात के समय उन्हें वो अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में वापस ले आता था। एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और हर एक बकरी के गले में एक रिंग डाल देता था, स्ट्रिंग डाल देता, तार डाल देता था। पुअर अबू खान वाज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, अपनी गोट के मामले में बेचारा अबू खान बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली था। वेरी ऑफन एट नाइट, ज़्यादातर रात के समय में, वन ऑफ द गोट्स वुड पुल, एक गोट, उसकी सभी गोट्स में से एक गोट अपने आप को खींचती थी। वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के उस तार के को खींचती रहती थी। टिल इट ब्रोक लूज, जब तक कि वो ढीला नहीं हो जाता था। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और फिर बियॉन्ड का मतलब और आगे। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स, फिर वो हिल्स के आगे चली जाती थी, हिल्स की तरफ चली जाती थी। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, पहाड़ी इलाकों की जो बकरियां होती हैं वो रस्सी से या पेड़ से बांधे जाना या पोल से बांधे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दे लव देयर फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी को पसंद करते हैं। अबू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, अबू खान की जितनी भी बकरियाँ थी वो पहाड़ी इलाके की सबसे अच्छी ब्रीड थी, ब्रीड में जाती। दे टू लव देयर फ्रीडम, वो भी अपनी स्वतंत्रता बहुत पसंद करती थी। सो वेन एवर दे गॉट द चांस, इसलिए जब भी उन्हें कोई भी मौका मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड, वो वहाँ से भाग जाती थी। टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द प्लेस, भाग कर वो एक बूढ़े भेड़िए के द्वारा मारी जाती थी। हु लिव्ड इन द हिल्स, जो कि उसी पहाड़ियों में रहता था। वेन एवर वन ऑफ हिज गॉट्स डिसअपियर, जब भी उसकी बकरियों में से एक गॉट गायब हो जाती थी, अबू खान वाज वेरी सैड, अबू खान बहुत उदास हो जाता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूशियस ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम, उसे समझ नहीं आता था क्यों जब वो अपनी बकरियों को बहुत अच्छे से जूसियस, हरी और ताजी घास और ग्रेन्स देता था, दाने देता था, दैट ही गेव देम, जो उन्हें खाने के लिए देता था। एंड ऑल द लव दैट, और सारा प्यार, दैट ही शॉवर्ड ऑन देम, जो उनके ऊपर वो प्यार, सारा प्यार बरस लुटाता था।
would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. वो सारा प्यार और जो इतना अच्छा खाना उसे खिलाता था, जितना सारा प्यार वो गॉड को करता था, वो भी उसे उन दुर्भाग्यशाली बकरियों को उस मौत के मुंह में, यानी वुल्फ के मुंह में जाने से नहीं रोक पाता था। तो भी वो क्यों उसके भाग जाती थी, मौत के हाथों, उसके हाथों मरने के लिए क्यों पहुंच जाती थी? अबू खान को बहुत आश्चर्य होता था। आर दिस गोट्स मैड, क्या ये बकरियाँ पागल हैं? ही वॉन्डर्ड, उसे बड़ा आश्चर्य होता था। और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर ये उनकी अपनी आज़ादी के लिए प्यार था? बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, लेकिन आज़ादी का मतलब होता है संघर्ष, हार्डशिप, हार्डशिप मीन कठिनाइयाँ, इवन डेथ, और मृत्यु भी। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खान इस रहस्य को सॉल्व नहीं कर पाया, हल नहीं कर पाया। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन जब उसकी सारी बकरियों ने उसे छोड़ दिया, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, और कोई बकरी मेरे घर में नहीं आएगी। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, मैं अभी कुछ और साल जीऊँगा, जी सकता हूँ, बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, मैं इन बकरियों के बिना ही जीऊँगा। हाउ एवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, फिर भी वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत ही अकेला था। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, वो अपने पालतू जानवरों के बिना कुछ नहीं कर पाया। वेरी सून ही बॉट ए यंग गोट, बहुत ही जल्दी उसने एक बहुत ही छोटी बकरी खरीदी। ही थॉट, उसने सोचा, ए यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, एक छोटी बकरी मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहेगी। शी विल सून बिकम टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, बहुत जल्दी वो मुझसे प्यार करने लगेगी, जैसे ही मैं उसको रोजाना खाना दूंगा तो वो मुझसे प्यार करने लगेगी। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और वो कभी भी मुझसे वहाँ जाने के लिए नहीं कहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो बहुत खुशी से हंसा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रीटी, नई बकरी बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, वो बिल्कुल सफ़ेद थी, बर्फ की तरह सफ़ेद थी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, छोटे से उसके सिर के ऊपर दो छोटे से ही सींग थे। एंड द पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, चमकती हुई लाल आंखें थी उसकी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, वो सबके साथ आसानी से मिलजुल जाती थी। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और अबू खान की टेल्स मीन कहानियाँ, अबू खान की कहानियों को बड़े इंटरेस्ट के साथ में, दिलचस्पी के साथ में सुनती थी। एंड अफेक्शन, और प्यार और दिलचस्पी के साथ सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उसे चांदनी नाम से बुलाता था, विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब है चांद की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, वो चांदनी को बहुत प्यार करता था और हमेशा चांदनी को स्टोरियाँ सुनाता था अपने दोस्तों की, हु वर डेड एंड गोन, जो मर चुके थे। सेवरल ईयर्स पास्ट, कई साल इस तरीके से बीत गए, चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी उसी के साथ थी। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिज पियोन्स, अबू खान को यह विश्वास हो गया था कि चांदनी अब कभी भी उसके घर को छोड़कर नहीं जाएगी हिलेरिया की फ्री और ताजी हवा लेने के लिए, कभी भी नहीं जाएगी। एलास, बड़े दुख की बात है, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, वो दोबारा गलती कर रहा था, उसने दोबारा गलती की ऐसा सोचने की। लाइक अदर गॉड्स चांदनी टू मिस द हिल्स, दूसरी बकरियों की तरह चांदनी भी उन पहाड़ियों को मिस करती थी, याद करती थी। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, उसने अबू खान से को बताया कि उसे उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, उस खतरनाक भेड़िए की कहानी, उस जंगल के अंदर खतरनाक भेड़िए की कहानी भी चांदनी के उत्साह को कम नहीं कर पाई। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉन्च द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट, हर एक सुबह चांदनी हिल की पहाड़ी की ऊंचाइयों को, पहाड़ की ऊंचाइयों को जो
सबसे ऊपर चोटी होती थी, हिल टॉप्स, चोटियों, पहाड़ की चोटियों को सूर्य की रोशनी से नहाई हुए देखती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, शी थॉट। उसने सोचा ये कितनी सुंदर हैं, ये पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोस थ्रू दैम, और इनकी पहाड़ियों के बीच में जो हवा चलती है कितनी वो ताजगी भरी है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, उन हरे हरे खेतों के बीच में भागना दौड़ना कितना अच्छा लगता है। शी रैन टुवर्ड्स द हिल, वो पहाड़ी की तरफ भागी, बट हैड टू स्टॉप विद ए जर्क, जर्क का मतलब झटके, एक झटके के साथ में उसे रुकना पड़ा। द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, जो रस्सी उसके गर्दन में थी वो उसे और आगे जाने नहीं दे रही थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, कितना वो उस रस्सी से नफरत करती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास, उसने ग्रीन ग्रास खाना बंद कर दिया। अबू खान ब्रॉच फॉर हर, जो कि अबू खान उसके लिए लाता था। नो डिड शी लिसन टू हिज स्टोरी विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और ना ही अब उसकी कहानियों को बड़ी ही दिलचस्पी और प्यार से सुनती थी। शी लॉस्ट हर एपिटाइट, एपिटाइट मीन भूख, उसने अपनी भूख खो दी थी। ग्रू वेरी थिन, बहुत पतली हो गई थी। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट, वो अपने मूड बदल बदल कर उस पहाड़ियों की चोटियों को देखती रहती थी जो कि सूर्य की रोशनी में नहाई रहती थी, यानी कि जिनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती रहती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश, एंग्विश का मतलब पेन या दुख। अबू खान को चांदनी की समस्या, प्रॉब्लम समझ नहीं आई कि उसे क्या दुख है। एट लास्ट, और अंत में, शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, लास्ट में चांदनी ने यह निश्चय किया कि वो खुलकर सारी बात अबू खान को बताएगी, बात करेगी। डियर अबू खान, शी सेड, उसने कहा, प्यारे अबू खान, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, प्लीज मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं तुम्हारी कंपाउंड में ही रहती हूँ, तुम्हारे घर पर ही रहती हूँ, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान को चांदनी की समस्या समझ आ गई थी। बट इट मेड हिम वेरी हैप्पी, लेकिन इस बात ने उसे बहुत उदास कर दिया था। द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, जो मिट्टी का घड़ा चांदनी के ब्रेकफास्ट के, जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट था, अर्थन पॉट, पॉट घड़े के लिए भी यूज़ होता है, यहाँ पर बर्तन के लिए भी यूज़ होता है, बाउल के लिए भी यूज़ होता है। अर्थन पॉट मिट्टी के जो, जिस पॉट में, बाउल में चांदनी का ब्रेकफास्ट रखा था, फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथ से, अबू खान के हाथ से वो गिर गया। एंड ब्रॉक्ड इन टू 1000 पीसेस, और हजारों टुकड़ों में टूटकर परिवर्तित हो गया, हजारों टुकड़े उसके हो गए। Why do you want to leave me, चांदनी, चांदनी तो मुझे क्यों छोड़ना चाहती हूँ, अबू खान asked, अबू खान ने पूछा। I want to go to the hills, चांदनी answered, चांदनी ने जवाब दिया, मैं पहाड़ी पर जाना चाहती हूँ। Don't you like the food here, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है। I will give you tastier food and a much longer rope, मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दूंगा और उससे भी, और एक बहुत लंबी रस्सी भी दूंगा। नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद, लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, क्या तुम्हें यह मालूम है कि कितना बड़ा तुम जोखिम उठा रही हो। यू ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, तुम ऑब्स्टिनेट क्रिएचर का मतलब था जीव, तुम बहुत ही जिद्दी जीव हो। देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, उस पहाड़ी के अंदर बहुत ही खतरनाक भेड़िया है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो उसे चेता सके, उसे उससे बचा सके। वान का मतलब होता है चेतावनी देना। चांदनी आंसर, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे एक जोड़ा सींग दिया है, सींग दिए हैं, दो सींग दिए हैं। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं उस भेड़िए से लड़ाई करूंगी। फाइट द वुल्फ, वुल्फ से, भेड़िए से लड़ाई करोगी, फिर फाइट द वुल्फ, वुल्फ भेड़िए से लड़ो, इनडीड जाओ सचमुच में लड़ो। हैव यू फॉरगेटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ, क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई। हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर, जिसका तो आकार भी, साइज भी बिल्कुल एक बड़े हिरन की तरीके
हिरन जितना था। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट, वो सारी रात उस भेड़िया से लड़ती रही। बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह वो मरी हुई पाई गई, सुबह तक वो मर गई। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 15th टाइम, 15वीं बार अबू खान ने ये कहानी, कलवा की कहानी उसको बताई। देखिए पिक्चर में कैसे दिया हुआ। टू ऑल दिस, इस बात पर चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, चांदनी को ने केवल एक बात कही, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, कि मैं पहाड़ी पर जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अबू खान बहुत परेशान हो गया। ही थंडर्ड, उसने गुस्से में कहा, यू आर नॉट गोइंग एनी वेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टूडे, आज से, यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहोगी, एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में, यानी कि पूरे घर के खुले एरिया में बिल्कुल नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम बहुत ही ना शुक्रिया करने वाली हो, शुक्रिया अदा नहीं करने वाली हो। अनग्रेटफुल का मतलब अकृतज्ञ, जो शुक्रिया अदा ना करें किसी चीज़ के लिए। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, लेकिन फिर भी तुम्हें उस भेड़िए से बचना चाहिए। ही पुश्ड हर इन टू अ स्मॉल हट, उसने उसे, अबू खान ने उसे एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर धकेल दिया। एंड शट द डोर, और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगेट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो पीछे की एक छोटी सी खिड़की को बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात को ही चांदनी ने उसी विंडो को अपना रास्ता बना लिया स्वतंत्रता प्राप्त करने का। दीज आर द कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, चांदनी वापस पहाड़ियों में चली गई। शी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर, वो ये जानती थी कि पास में ही भेड़िया इधर उधर है। शी वॉज रेडी टू पुट अप ए गुड फाइट, वो उसके सामने एक अच्छी संघर्ष प्रस्तुत करने वाली थी। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों के बीच पहाड़ियों में पहुंच गई। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर, उसे ऐसा महसूस हुआ कि पुरानी पहाड़ियाँ उसका इंतजार कर रही हैं, खड़े होकर, एक लाइन में खड़े होकर उसका स्वागत करने के लिए लाइन में खड़ी हैं। शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से काफ़ी लंबे समय की सेपरेशन के बाद, दूर रहने के बाद में मिल रहा है। वेर एवर शी वेंट, जहाँ भी वो गई, द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, लंबी लंबी घास उसे चूमने लगी। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर, उसे खुश करने के लिए फूल भी खिलने लगे। एंड द विंड सैंग एंड एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवा ने एक अंत ना होने वाला एक उसके स्वागत गीत गाया। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू हाउस, अबू खान्स कंपाउंड, ये सारी चीज़ें कितनी अलग थी जिस जेल में वो थी, अबू खान के कंपाउंड की जिस जेल में थी वो, ये सारी चीज़ें उससे कितनी अलग थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन द चांदनीस लाइफ, ये चांदनी के जीवन का सबसे खुशी का दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, उस दिन वो काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक पहाड़ी की ग्रासी स्लोप्स पर, जिन पर ग्रास थी, घास वाली ढलानों के ऊपर काफ़ी समय तक वो खेली। शी मेट ए हर्ड ऑफ विल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप्स, वो एक झुंड से भी मिली, वाइल्ड गोट, जंगली बकरियों के एक झुंड से भी मिली जिन्होंने उससे उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी ने उन्हें विनम्रता से मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, वो अपनी इस नई आज़ादी को अपने आप ही इंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे सूर्य पूरी तरह से गायब हो गया था, छिप गया था। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, बहुत जल्दी अंधेरे ने उस घास को ढक दिया था। द फ्लावर्स एंड द ट्री, उस घास को, फूलों को और पेड़ों को ढक दिया था, अंधेरे ने ढक दिया था। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा चलनी बंद हो गई थी। एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड, चारों तरफ बिल्कुल शांति हो गई थी। कोई भी चीज़, स्टिलनेस का मतलब बिल्कुल ऐसी शांति जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था अराउंड, एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड,
बस एक स्ट्रेंज साउंड हो रही थी, आवाज हो रही थी, विचित्र आवाज हो रही थी, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, जो कि झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट, ग्रंट का मतलब घुर्राने की, घुर्राना, वो जो आवाज थी वो घुर्राने की आवाज की तरह लग रही थी। वट वॉज इट, ये क्या था? इट वॉजेंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, ये अबू खान की आवाज़ नहीं लग रही थी जो उसे कंपाउंड की तरफ बुला रही हो। नोर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉट, ना ही ये किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट, तब चांदनी ने सोचा, नोर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉट, देन चांदनी थॉट, तब चांदनी ने सोचा, ऑफ द डेंजरस वुल्फ, तब उसे उस भयानक भेड़िए की याद आई, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो कि उसी पहाड़ी पर रहता था, पहाड़ी में रहता था। शी फेल्ट स्केयर्ड, उसने डर महसूस किया। शुड सी शी बैक गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, क्या उसे अबू खान की झोपड़ी की तरफ जाना चाहिए सुरक्षा के लिए? नो, नहीं। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल नेट हट, एक खुले खेत के अंदर मौत बहुत अच्छी है एक छोटी झोपड़ी में जीवन की अपेक्षा, उसने ये सोचा और अपने आप से कहा। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, भेड़िया झाड़ियों के पीछे से बाहर आ गया था, एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, चांदनी को लालची निगाहों से घूर रहा था। हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, अंधेरे के अंदर उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल नजर आ रही थी। ही सीम्ड इन नो हरी, वो किसी भी जल्दी में नहीं था। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, वो अच्छे से जानता था कि ये नई बकरी उसी की है। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, वो वुल्फ और बकरी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। द वुल्फ वॉज बिग, वो भेड़िया बहुत बड़ा था, एंड फेरेशियस और भयानक भी था। वेरियस द गोट, जबकि बकरी दो हेल्थी, जबकि वो स्वस्थ थी। वॉज स्मॉल, लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट बिग, लेकिन छोटा कमजोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपनी टांगों के ऊपर मजबूती से खड़ी थी। हेड स्लाइटली बेंट, सिर नीचे थोड़ा सा झुका हुआ, एंड हॉर्न्स जूटिंग आउट, और उसके सींग बाहर की तरफ निकले हुए थे। जूटिंग का मतलब निकले हुए। शी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज, वो पूरी साहस की एक तस्वीर नजर आ रही थी। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रीचरस एनिमी, वो एक वीर सैनिक के तरीके से तैयार थी टू फाइट ए ट्रीचरस एनिमी। ट्रीचरस का मतलब बेईमान, दुश्मन की से लड़ाई करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, मुझे एक अच्छे से मुकाबला करना चाहिए, चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा। सक्सेस और फेलियर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस, सफलता या असफलता तो ये किस्मत का और मौके का विषय है। द फाइट बिगिन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये सारी रात चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चंद्रमा चांद जो सारी रात ये इनकी लड़ाई देखता रहा, बिगिन टू ग्रो पेल, वो पीला होना शुरू हो गया। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक बादलों के पीछे छुप गया। द स्टार्स आल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन, तारे भी एक एक करके अदृश्य होने लगे। ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, पूर्व की दिशा से एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम द डिस्टेंट मस्क्यू, और सुबह की प्रार्थना की आवाज दूर की मस्जिद से आने लगी आई। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, सूर्य की सबसे पहली किरण ने चांदनी को जमीन पर लेटे हुए देखा। शी वॉज कंप्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वो पूरी तरह भीगी हुई, वो पूरी तरीके से खून में भीगी हुई थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, वो भेड़िया थका हुआ और नींद को महसूस कर रहा था। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, उसका डेवर मीन होता है पार्टी, उसकी पार्टी या दावत उड़ाने वाला था, दावत खाने के लिए तैयार हो रहा था।
एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पास्ड ऑन टॉप ऑफ ए ट्री नियर बाय। बहुत सारे बर्ड्स का ग्रुप एक पास के ही एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, पास्ट में बैठा हुआ कि ऊंचाई पर, पेड़ पे सबसे ऊंचा बैठा हुआ था, वाज डिबेटिंग एंड वाज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और उस लड़ाई का के निष्कर्ष का के ऊपर डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे, हु इज द विनर, कि इसका विजेता कौन है, इस लड़ाई का विजेता कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने कहा, द वुल्फ ऑफ कोर्स, सचमुच में भेड़िया, मोस्ट ऑफ देम सेड, जब एक ने क्वेश्चन पूछा कि हु इज द विनर, इनका इस लड़ाई का विजेता कौन है विनर, तो मोस्टली सबने कहा कि वुल्फ है। ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, डिक्लेम्ड का मतलब होता है घोषित किया, उसने एक बुद्धिमान और बूढ़े बर्ड ने घोषित किया विश्वास के साथ में कि चांदनी इज द विनर, कि चांदनी ही इस लड़ाई की विजेता है। इस बात में, इस कहानी के अंदर फ्रीडम को के लिए ये गॉड बहुत लड़ी अपनी फ्रीडम के लिए, और उसने अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय जाकिर हुसैन, दैट इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी।